जो भी हमारा क्लासेस होगा ये रिकॉर्डेड लेक्चर होगा और ये लेक्चर सिर्फ आपको हमारे भगत टेक्नो ऐप पे मिलेगा। आपको हमारा भगत टेक्नो का ऐप इंस्टॉल करना है, आपको प्ले स्टोर में भगत टेक्नो का ऐप इंस्टॉल मिल जाएगा और जब आप लेक्चर अटेंड करेंगे तो आज का लेक्चर आपको उसका वीडियो का एक्सेस कल से मिलना चालू होगा। ये वीडियो की जो वैलिडिटी होगी ये मिनिमम 6 मंथ है, मैक्सिमम जब तक हमारे सर्वर में जगह होगा तब तक मैं आपको इसका एक्सेस देता रहूंगा, पर इसकी मिनिमम वैलिडिटी 6 मंथ होगी। आप एक ही डिवाइस से कनेक्ट हो कर सकते हैं, मतलब आप एक ही डिवाइस जो डिवाइस मोबाइल डिवाइस में चलाएंगे वो डिवाइस से आपको वीडियो का एक्सेस मिलता रहेगा। नोट्स, जो भी नोट्स हम प्रोवाइड करेंगे ये आपको ये सभी आपको व्हाट्सएप के ग्रुप रहेगा हमारा, उसमें दत्ता सर आपको ऐड कर देंगे, मे बी थर्ड डे या फोर्थ डे ऐड कर देंगे और उसके बाद वहां पे आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे। मतलब क्लास खत्म होने से एटलीस्ट 1 डे पहले हम आपको ऐड कर देंगे ताकि नोट्स की जो क्वेरी होगी वो लास्ट डे आप देख के हमारे से आप पूछ सकते हैं। इसके एक्सटर्नल कुछ अलग से आपको कभी भी कोई भी नोट्स की जरूरत हो गई तो हम आपको डेफिनेटली वो प्रोवाइड करेंगे, पर आप मुझे पहले आपको बताना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर ये आपको हेल्प ये करेगा कि आप कभी भी क्लास में कोई मिस हो जाता है या नेटवर्क के इशू से कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको वो आपको हेल्प करेगा और फिर आप उसके थ्रू से वीडियो का एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंडली, हमारी तरफ से आपको सपोर्ट क्या रहेगा। सपोर्ट के तौर पे यदि हम लोग बात करेंगे तो आपको कभी भी सपोर्ट मिलेगा, पर ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डालना है। जो भी प्रॉब्लम है उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल देना है, उसका हम आपको रिप्लाई कर देंगे जो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है। सपोर्ट इन द सेंस, देखिए सपोर्ट मतलब क्या, सपोर्ट को आप बहुत सारे जो है अलग तरीके से लेते हैं। सपोर्ट मतलब कोई एरर का सॉल्यूशन, यदि आपको टेंडर भरने में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, कोई एरर जनरेट हो रहा है तो उसका आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बट यदि आपको कभी लगता है ऐसा सिचुएशन आया, जनरली ऐसी सिचुएशन आती नहीं है, फिर भी कभी ऐसा सिचुएशन आया कि मेरे को मेरे से काम करवा के चाहिए, टेंडर भर के चाहिए, तो फिर वो दैट इज विल बी पेड चार्जेस। पर इसकी जरूरत जनरली होती नहीं है, मतलब आपको जहां पे आपको प्रॉब्लम आता है उसका हम लोग बूस्टअप कर देते हैं और वहां पे आप काम कर सकते हैं। पर आपके पास टाइम का इशू हुआ, ऐसा कोई प्रॉब्लम हुआ तो ही आपको मेरे पास आना है, नहीं तो आपको हमारे पास आने की जरूरत नहीं है। लेक्चर में हम पूरा कवर करेंगे। रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस में हम क्या क्या कवर करेंगे। सिलेबस में हम लोग ई प्रोक्यूरमेंट का पोर्टल कवर करेंगे। देखिए पोर्टल्स बहुत सारे, ई प्रोक्यूरमेंट के पोर्टल्स कवर करेंगे। ई प्रोक्यूरमेंट्स में क्या, तो जैसे कि यदि महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं तो महाटेंडर्स, अदर स्टेट, जो भी अदर स्टेट से अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके लिए हर एक का पोर्टल है। यदि जैसे कि यूपी से कोई बिलोंग कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश ई प्रोक्यूरमेंट बोल के डाल देना है, तो आपको सेम टेंडर यूपी का, सेम साइट जैसे महाराष्ट्र का खुला ऐसे ही आपको खुल जाएगा। सेम और कौन सा साइड है, पीएमजीएसवाई प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, यदि आप देखेंगे तो सेम साइड है पीएमजीएसवाई ई प्रोक्यूरमेंट ई प्रो, तो आपको ये PMGSY प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसका भी टेंडर आप भर सकते हैं। इसके साथ CPPP का पोर्टल जिसको सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बोलते हैं, CPP पोर्टल, MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ऐसे टोटल आप 34 साइड है जहां पे आपको टेंडर भर सकते हैं। आपने एक साइड का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया, आपने एक साइड में टेंडर भर लिया, तो आप ऐसे टोटल 34 साइड में टेंडर भर सकते हैं जिसकी पोर्टल सेम टू सेम है, कोई डिफरेंस नहीं, तो आप यहाँ पे सभी जगह पे आप टेंडर भर पाएंगे इंक्लूडिंग स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, तो आपको यहाँ पे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये हमारा बेसिक पार्ट है। इसके बाद हम लोग जब सिलेबस की बात करते हैं तो टेंडर्स में हम आपको सबसे पहले सेटिंग सिखाएंगे। जैसे टेंडर भरने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सेटिंग, यदि आपका टेंडर आपके सिस्टम या पीसी जो या लैपटॉप बोलते हैं डेस्कटॉप बोलते हैं, यहाँ पे यदि आपकी सेटिंग में प्रॉब्लम रहा तो आप टेंडर नहीं भर पाएंगे, आपको अलग अलग एरर जनरेट होगा।
तो प्रॉपर वे से आपका सिस्टम का सेटिंग कैसे करना है, ये वन टाइम सेटिंग है, एक बार आपने सेटिंग कर लिया तो आपको दोबारा फिर से प्रॉब्लम नहीं आती है, ये वन टाइम सेटिंग है। तो ये सेटिंग आपको कैसे करना है, ये सबसे पहला हमारा सेटिंग का पार्ट होगा। सेटिंग के पार्ट हम लोग देखेंगे इनरोलमेंट कैसे करते हैं। यहाँ जो बिल्डर का इनरोलमेंट है, यदि आपको कोई भी पोर्टल में टेंडर भरना है तो वहां पे आपको पहले आईडी और पासवर्ड बनाना पड़ता है। तो आईडी पासवर्ड बनाते कैसे, और यदि आपने उसका पासवर्ड भूल गए या जनरेट करना है तो पासवर्ड कैसे जनरेट करते हैं, और नोडल ऑफिसर क्या है और नोडल ऑफिसर के बारे में, ये हमारा आज के डेट का क्लास लेक्चर होगा। इसके साथ साथ आज के डेट का लेक्चर में जो होगा वो है डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है, टेंडर भरने के लिए डिजिटल सिग्नेचर मैंडेटरी है, तो डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है और डिजिटल सिग्नेचर का यूज कैसे करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर में किस किस टाइप के सिग्नेचर वगैरह रहते हैं, उसको हम लोग ओपन करके पूरा आपको सेटअप बताएंगे। ये हमारा आज का लेक्चर होगा। फिर आगे के लेक्चर्स में हम लोग, नेक्स्ट डे के लेक्चर होगा, उसमें हम लोग टेंडर कैसे अलग तरीके से सर्च कर सकते हैं। जितने भी टाइप के सर्च इंजन है, हम लोग सभी टेंडर को सर्च करने का प्रॉपर प्रोसेस देखेंगे, किस तरीके से अपने को कोई भी टेंडर सर्च करने को मिलना चाहिए। कोरिंडम का टेंडर क्या होता है, कोरिंडम क्या होता है, लेटेस्ट टेंडर क्या होता है, क्लोजिंग टेंडर क्या होता है, आप टेंडर के रिजल्ट, जो टेंडर आपने भरा नहीं है रिजल्ट ऑफ टेंडर कैसे पता कर सकते हो, टेंडर बाय ऑर्गेनाइजेशन, टेंडर बाय लोकेशन, टेंडर बाय क्लासिफिकेशन, टेंडर बाय अचीव्ड, टेंडर स्टेटस, कैंसिल टेंडर, ये जो भी पोर्टल में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है ये सभी इन्फॉर्मेशन के बारे में हम लोग जाने। इसके साथ हम लोग टेंडर में टेंडर के डॉक्यूमेंट्स, जो टेंडर है ये टेंडर को ओपन करेंगे और इस टेंडर को पूरा स्टडी करेंगे। एक्चुअली ये टेंडर जो है वो क्या बोलना चाह रहा है, ये पूरे के जो पूरे पार्ट है इसको पूरे हम लोग वन बाय वन पूरे स्टडी करेंगे। साथ में टेंडर के फाइल को डाउनलोड भी करेंगे, जैसे ये फाइल है और ये फाइल है बीओक्यू का फाइल है, तो बीओक्यू का फाइल एंड टेंडर के डॉक्यूमेंट्स जो भी है उसको हम लोग डाउनलोड करेंगे और हम लोग उसको स्टडी करेंगे। स्टडी में क्या देखेंगे, जिस टेंडर को भरने के लिए हमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा और हमारा एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, मतलब ये टेंडर जो हमने, मुझे लग रहा है ये मैं भर सकता हूँ, तो ये भरने के लिए मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स लगने वाले वो सब डॉक्यूमेंट्स है कि नहीं, इसको बोलते हैं एलिजिबल क्राइटेरिया। तो एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे और फिर डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन करेंगे टेंडर भरने के लिए, और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के बाद हम लोग आगे के क्लास में टेंडर भरना देखेंगे, टेंडर कैसे अपलोड करते हैं डॉक्यूमेंट्स। उसमें दो पार्ट रहेगा, एक टेक्निकल एक फाइनेंस। टेक्निकल में डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा, फाइनेंस में आपका रेट अपलोड होगा, जिसको आप लोग बीओक्यू से, आप लोग बीओक्यू भी बोलते हैं, इसको हम लोग रेट के शुरू से भी अपलोड करेंगे। अभी बीओक्यू भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे आइटम रेट होता है, परसेंटेज होता है, लमसम होता है, तो हर एक टाइप का बीओक्यू के बारे में भी हम लोग यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। ये हमारा हो गया टेंडर अपलोड प्रोसेस। टेंडर अपलोड करने के टाइम पे हमें टेंडर फीस और एमडी भरना पड़ता है या एग्जम्पशन मिलता है, तो हम ये दोनों पार्ट देखेंगे, एग्जम्पशन भी और आपको हम लोग एक पेमेंट करके, ऑनलाइन पूरा पेमेंट करके टेंडर भरना भी आपको दिखाएंगे। ये हो गया टेंडर फिलिंग का पार्ट। फिलिंग के बाद जैसे हम टेंडर भर दिए, तो टेंडर के लास्ट डेट से पहले यदि हमको टेंडर को दोबारा भरना है तो दोबारा कैसे भर सकते, जिसको हम लोग बोलते हैं रिसबमिट, या टेंडर को विड्रॉल करना है तो टेंडर विड्रॉल कैसे कर सकते हैं। बाद में हमारे कॉम्पिटिटर कौन आए और हमारे कॉम्पिटिटर के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या है, मतलब हमने जो टेंडर भरा उसमें और कौन कौन लोग आए वो कैसे पता करेंगे, और हमारे कॉम्पिटिटर ने क्या क्या डॉक्यूमेंट डाला था, कोई डॉक्यूमेंट्स गलत तो नहीं डाला, वो डॉक्यूमेंट्स को कैसे देखेंगे, ये भी हम लोग क्लास में देखेंगे। साथ में उसके सभी के रिजल्ट, बीड के रिजल्ट, जैसे कि टेंडर का अमाउंट क्या है, L1 कौन है, L2 कौन है, L3 का रेट क्या है, सबके रेट्स कैसे पता करेंगे, और साथ में जो लोगों ने भी टेंडर भरा है उनका पूरा इन्फॉर्मेशन इन द सेंस कॉन्टेक्ट डिटेल्स, उनका ईमेल आईडी क्या है, उनका एड्रेस क्या है, उसके बारे में पूरा प्रोफाइल, मतलब जो भी हमारे कॉम्पिटिटर होंगे उनका पूरा प्रोफाइल कैसे आप पता करेंगे। और बाद में हमारा पार्ट आता है आपको, यदि आपको टेंडर का प्रोफाइल अपडेट, प्रोफाइल में ईमेल आईडी कैसे अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर बदलना है या ईमेल आईडी बदलना है तो कैसे बदल सकते हैं, अपना जीएसटी नंबर कैसे अपडेट करना है, प्रोफाइल में कैसे अपने सभी स्टेटस को अपडेट करना है, ये हमारा थर्ड डे के पूरे लेक्चर में कंप्लीट होगा। फोर्थ डे के लेक्चर में जो हम टेंडर के डॉक्यूमेंट्स के आपके सॉफ्ट कॉपी देंगे, वो सॉफ्ट कॉपी
आपको देखना है, उसमें कोई प्रॉब्लम है तो उसकी क्वेरीज। साथ में हम लोग दो सॉफ्टवेयर आपको प्रोवाइड करते हैं, पीडीएफ साइनर। बहुत सारे टेंडर में ऐसा लिखा रहता है कि आपको टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली साइन करना है और फिर अपलोड करना है, तो आप कोई भी टेंडर के डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली कैसे साइन करेंगे और वो सॉफ्टवेयर आप यूज कैसे करेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ में पीडीएफ प्रोफेशनल, पीडीएफ प्रोफेशनल का काम जो रहता है वो मोर एक से ज्यादा पीडीएफ फाइल को कंबाइन करना, जेपी से पीडीएफ को कन्वर्ट करना, पीडीएफ टू वर्ड कन्वर्ट करना, पीडीएफ टू एक्सेल कन्वर्ट करना, उसमें पेज नंबर डालना, अपने लोगो या वाटरमार्क डालना, ऐसे पीडीएफ को अरेंज करना, वन नंबर पेज से टू नंबर में कैसे शिफ्ट करेंगे, दो से टेन में कैसे, ऐसे बहुत सारे उसके वर्क है, वो सभी हम लोग लास्ट डे के लेक्चर में देखेंगे। ये हमारा दो सॉफ्टवेयर और आपके जो डॉक्यूमेंट्स होंगे टेंडर के, वो डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट के बारे में हम लोग लास्ट डे के लेक्चर में कवर करेंगे। ये हमारा पूरा सिलेबस होगा लेक्चर्स का। इसमें से किसी को कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो हम हमें पूछ सकते हैं। किसी को कोई पूछना है तो अपने आप को अनम्यूट कीजिए और हम हमें पूछ सकते हैं। है? चलिए सर, फिर क्लास का पहला टॉपिक हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पे बीडर एनरोलमेंट कैसे करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है अपना बीडर का एनरोलमेंट। तो बीडर एनरोलमेंट जो भी कोई साइट होगा, सीपीपी पोर्टल लीजिए, ई प्रोक्योरमेंट लीजिए, पीएमजीएसवाई लीजिए, या फिर एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, एमईएस बोलते हैं, एमईएस ई प्रोक्योरमेंट डिफेंस का जो पोर्टल होता है, ये MES, या CPP का पोर्टल, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, सीपीपी, CPWD भी बोलते हैं। ऐसे जो भी साइट है आप वहां पे टेंडर को किस तरीके वहां पे अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, लॉगिन आईडी और पासवर्ड, वो आप कैसे करेंगे वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पहले हमारा लेक्चर का पहला पार्ट। धनराज सर बोलिए। सर वो मैं ग्राम पंचायत का ई प्रोक्योरमेंट करता हूँ, इसलिए वो डिफेंस की जगह ग्राम पंचायत का लीजिए ना। हाँ ठीक है ना सर, कोई हाँ। भी है वो प्रोसेस एक ही है, हम लोग महा टेंडर्स का साइड ले लो फिर। ठीक है, सबके साइड्स एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है, आप कहीं पर भी कीजिए एक ही आएगा। चलिए हम लोग महा टेंडर्स के साइड में ही ले लेते हैं। महाटेंडर्स के साइड में रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपने यहाँ रजिस्ट्रेशन कर दिया तो वो लॉगिन आईडी यहाँ चलेगा, आपको हर जगह रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जहां पे भी आप टेंडर भरना चाहते हैं वहां पे, यदि आपको टेंडर भरना है तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन करना ही पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन विल बी मस्ट, और साथ में डिजिटल सिग्नेचर लगेगा। पर डिजिटल सिग्नेचर, आप एक ही डिजिटल सिग्नेचर आपका हर जगह चल जाएगा, पर आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड हर जगह पे बनाना पड़ेगा। भले आप लॉगिन आईडी पासवर्ड सबका सेम रखो, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर सबका सेम रखो, पूरा प्रोफाइल सेम रखो, वो आप रख सकते हैं, पर डिजिटल सिग्नेचर भी सब जगह सेम रख सकते हैं, बट आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करना ही पड़ेगा फर्स्ट टाइम यदि आप टेंडर भर रहे हो। आपका ऑलरेडी है तो आपको इसकी जरूरत नहीं। तो चलिए हम लोग सबसे पहला रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं वो देखेंगे, उसके लिए प्रॉपर प्रोसेस क्या है। रजिस्ट्रेशन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को पता है, पर हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर प्रोसेस आपको बताएंगे, मतलब हर चीज में आपको क्या फिल करना चाहिए, ये सभी चीजें मैं आपको यहाँ पे क्लियर करूंगा। सबसे पहले चलते हैं ऑनलाइन बिडर एनरोलमेंट। मैं आपको एक चीज इंफॉर्मेशन के तौर पे बता देता हूं कि आप यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, आप सेम लॉग इन आईडी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर सेम होने के बाद, कंपनी का भी नाम सेम, मल्टीपल लॉगिन आईडी क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे लॉगिन आईडी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं किया कि आपका ईमेल नंबर ईमेल आईडी सेम है और मोबाइल नंबर सेम है तो आप दो लॉगिन आईडी नहीं बना सकते,
आप 2, 4, 5, 10, 20 कितना भी बना सकते, जितने चाहिए उतने यहाँ पे लॉगिन आईडी बना सकते हो। पर याद रखेंगे जितना लॉगिन आईडी बनाएंगे, एक ही पोर्टल में बता रहा हूँ, अलग अलग पोर्टल में, एक ही पोर्टल में यदि आपने 2 लॉगिन आईडी बनाया तो लॉगिन आईडी तो आप 2 बना सकते हो, पर उनके लिए डीएससी भी 2 लगेगा। एक डीएससी से 2 जगह पे लॉगिन नहीं हो सकता एक ही पोर्टल में, अलग अलग पोर्टल में एक ही डीएससी चलेगा। एज एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं टेंडर महाराष्ट्र, और हम यही डीएससी हमारे पास और वही डीएससी से मैं यूपी का भी टेंडर भरना चाहता हूं तो मैं भर सकता हूं, बट मैं महाराष्ट्र के साइड पे ही 2 लॉगिन आईडी मेरे नाम का बनाया हूं, पर मैं एक ही डीएससी से दोनों जगह एक्टिवेट करना चाहता हूं तो ये पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? कोई डाउट्स है तो हैंड रेज करके पूछते जाओ। चलिए तो हम लोग यहाँ पे लॉगिन आईडी क्रिएट करते पड़े। लॉगिन आईडी यहाँ पे जो है वो ईमेल आईडी के फॉर्म पे डाल रहा है, याद रखो लॉगिन आईडी आप यहाँ पे, जैसे मेरा नाम आदित्य पंडित है तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी को आदित्य पंडित नहीं कर सकता, लॉगिन आईडी को ईमेल आईडी के फॉर्म में डालना पड़ेगा। तो मैं लॉगिन आईडी आदित्य पंडित @gmail.com या कोई भी हम ऐसे डाल सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ये मेरा लॉगिन आईडी हो सकता है, मतलब ये ईमेल आईडी के फॉर्म में ही होना चाहिए, सिर्फ मैं आदित्य पंडित नहीं डाल सकता। पर इससे क्या होता है हमारे लिए कंफ्यूजन क्या होता है, लॉगिन आईडी यदि मैंने ऐसा डाला तो मेरे लिए क्या होता है लॉगिन आईडी याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए जनरली जो लोग लॉगिन आईडी हम लोग क्रिएट करते हैं हम सबको रेकमेंड क्या करते हैं, जो आप लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी दोनों सेम रखो ताकि आपको याद रखने में तकलीफ ना हो। यदि आप याद रख सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दोनों सेम भी रख सकते, जैसे कि मैं अभी के केस में दोनों सेम रखना चाहता हूँ, 0508@gmail.com तो मेरा लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी दोनों सेम रख देता हूं। ये मैंने दोनों सेम, आप दोनों सेम भी रख सकते हो या लॉगिन आईडी आप अलग भी रख सकते हो, ईमेल आईडी तो आपको अलग रख नहीं सकते क्योंकि ईमेल आईडी जो रजिस्टर्ड है आपको वहां पे ओटीपी आएगा वही आपको रखना पड़ेगा। तो लॉगिन आईडी और ईमेल आईडी हमने दोनों सेम रखा ताकि मुझे लॉगिन करने में प्रॉब्लम ना। मोबाइल नंबर में सबसे पहले आईएनडी इंडिया का कोड चूज करेंगे और यहाँ पे मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर हो गया। इसके बाद हमारे लिए जो कंफ्यूजन है वो है कंपनी नेम, याद रखिए कंपनी का नाम कैसा डालना। अभी यहाँ पे 2 पार्ट है, एक है कॉन्ट्रैक्टर का पार्ट और दूसरा है कॉन्ट्रैक्टर एम, उसमें भी बहुत सारी चीजें आ गई जैसे कि मजदूर संस्था सोसाइटी आ गया, कॉन्ट्रैक्टर हो गया, ये सभी के नाम कुछ अलग होते हैं। और एक होता है अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर जिसको आप लोग सूबे भी बोलते हैं, तो सूबे और अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर, और हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्टर, कंपनी फॉर्म या फिर जिसमें बहुत सारी चीजें आ जा सकती है, या फिर आपके जैसे मैंने आपको बोला सोसाइटी, महिला बचत गट, ये सभी लोग इसी कैटेगरी में से बिलोंग करना चालू करेंगे। अभी मेरी कंपनी प्रोप्राइटरशिप, जैसे मेरी कंपनी है भगत टेक्नो, मेरी कंपनी का नाम क्या है भगत टेक्नो, तो मैं अपने कंपनी का नाम डालूंगा भगत टेक्नो। पर याद रखो यदि मैंने भगत टेक्नो डाला तो मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे जैसे कि जीएसटी, चलो पैन कार्ड प्रोप्राइटरशिप कंपनी है तो एक ही पैन कार्ड चल जाएगा, वर्क एक्सपीरियंस, ये सब मुझे मेरा जो वर्क ऑर्डर है पुराना आईटीआर रिटर्न, ये सब भगत टेक्नो के नाम से ही होना चाहिए, तो ही मैं वो नाम यहाँ पे डालू। ये एक बार डाल दिया तो दोबारा ये एडिट नहीं कर सकता, कंपनी का नाम एडिट नहीं होता और लॉगिन आईडी एडिट नहीं होता, बाकी सब कुछ यहाँ पे एडिटेबल है, मतलब अभी आपने कोई गलत डाल दिया तो बाद में आप उसको एडिट कर सकते हैं, पर कंपनी का नाम और लॉगिन आईडी ये दो चीजें एडिट नहीं कर सकते। बट सेम मेरे पास कंपनी भी है और मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का सर्टिफिकेट भी है, मान लीजिए मैंने भगत टेक्नो के नाम से मैंने कंपनी चलाता हूं पर मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर के नाम से रजिस्ट्रेशन भी है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, तो मेरा जब हम इस पोर्टल में किस वजह से रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, मैं कोई टेंडर लेने की वजह से कर रहा हूं और मेरा लाइसेंस किस नाम से है, तो मेरा लाइसेंस तो अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का है, भगत टेक्नो के नाम से मेरा लाइसेंस नहीं है, तो मैं फिर ऐसे केसेस में मेरा कंपनी का नाम क्या हो जाएगा आदित्य पंडित,
इन शॉर्ट मेरा कंसर्न ये है, यदि आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का सर्टिफिकेट है तो आप अपना कंपनी के नाम में कभी भी कोई कंपनी का नाम नहीं डालेंगे। ऐसा डालेंगे तो आपको आगे प्रॉब्लम हो सकता है। ऐसे केसेस में कंपनी के नाम में खुद का ही नाम डालना। यदि इन केस ऑफ आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर का रजिस्ट्रेशन है तो जिनके पास कॉन्ट्रेक्टर का लाइसेंस है या लाइसेंस ही नहीं है वो अपना कंपनी का नाम डाल सकते हैं। पर मैंने आपको पहले ही बताया कि आपके पास जो भी नाम आप यहाँ पे डालेंगे वो नाम का सभी डॉक्यूमेंट्स में वही नाम होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा कंपनी का नाम है। आपको बीच में भी कोई भी क्वेरी पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपका क्वेरी ले लूंगा। प्रिफरेंशियल बिडर, देखिए प्रिफरेंशियल बिडर में दो पार्ट है, एक है सर मेरा रजिस्ट्रेशन जो है वो सृष्टि एंटरप्राइजेस के नाम से है। हाँ, मतलब पीडब्ल्यूडी या जिला परिषद जहाँ पर भी। नहीं नहीं पीडब्ल्यूडी जिला परिषद में नहीं है, मैं ग्राम पंचायत को ये देता हूँ मैं चीजें। हाँ बोले तो स्ट्रीट लाइट डस्टबिन वगैरह सब कुछ बगैर बराबर। हाँ तो उसमें क्या नाम डालना पड़ेगा कंपनी का या मेरा नाम डालना पड़ेगा? आपके पास फिर आप कंपनी का नाम से काम कर चालू कर सकते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है वो डालेंगे। ठीक है ओके, आपका नाम नीचे आएगा ऐसे कैसे। हाँ हाँ सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर वाले के लिए, वो लोग खुद का नाम यहाँ पे खुद डालेंगे, वो लोग कंपनी का नाम नहीं डालेंगे। सेकेंड पार्ट है यहाँ पे प्रिफरेंशियल बिडर। प्रिफरेंशियल बिडर में दो पार्ट, अभी यहाँ पे देखेंगे देखिए एमएसएमई पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पोर्टल में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दो पार्ट मिलेगा। एक एमएसएमई तो रहेगा ही रहेगा, साथ में आपको मिलेगा मेक इन इंडिया, मतलब आपकी कंपनी या तो एमएसएमई में रजिस्टर्ड है या मेक इन इंडिया। ये सेंट्रल गवर्नमेंट में मिलेगा, और स्टेट गवर्नमेंट में आपको एक ही मिलेगा वो है एमएसएमई। मैंडेटरी नहीं है, देखो ये मैंडेटरी नहीं, स्टार मार्क नहीं है इसको, है आपके पास एमएसएमई या स्टार्टअप इंडिया तो आप इसको चूज कर सकते हो। यदि आपके पास एमएसएमई भी नहीं है या उद्यम भी नहीं है या स्टार्टअप इंडिया का लाइसेंस भी नहीं है, उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप इसको मत चूज कीजिए, छोड़ दीजिए। मेरे पास दोनों में से कोई भी नहीं तो मैं इसको चूज नहीं कर रहा हूँ। यदि आपके पास है तो आप इसको चूज कीजिए एमएसएमई, और रजिस्ट्रेशन नंबर में एमएसएमई का नंबर डाल दीजिए। बट आपके पास एमएसएमई भी नहीं है, स्टार्टअप भी नहीं है, तो आप क्या करेंगे? रजिस्ट्रेशन नंबर में आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि आपके पास पीडब्ल्यूडी का लाइसेंस है, जिला परिषद का लाइसेंस है, या फिर नगर परिषद, पंचायत समिति, कहाँ का भी लाइसेंस है, जो लाइसेंस है वो लाइसेंस नंबर या सॉप एक्ट का नंबर, या फिर जो भी आपके कंपनी का प्रूफ है, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट का नंबर, यदि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड है, या फिर आपकी कंपनी पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप डीड का नंबर, या आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपके पास जीएसटी है तो जीएसटी का नंबर भी डाल सकते हैं। इनमें से कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं, ऐसा कोई बाइंडिंग नहीं है कि यही नंबर डालना है, कोई भी एक नंबर डाल सकते हैं। आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, मान लीजिए एग्जांपल हमको अभी टेंडर भरना है, मतलब भरने का नहीं, मुझे ऐसे ही अभी देखना है और मेरे पास अभी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो हम ऐसे ही कोई भी नंबर डाल दें। बाद में ये एडिटेबल है, जब मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा तो हम इसको एडिट करके अपना नंबर चेंज कर सकते हैं। एडिट क्या नहीं है, कंपनी का नाम और लॉगिन आईडी, बाकी सब कुछ एडिटेबल। एड्रेस, एड्रेस जो आपका कम्युनिकेशन का एड्रेस होगा, ऐसे यहाँ के लिए कोई प्रूफ नहीं मांगा जाएगा, पर आपको यदि कोई लेटर डिपार्टमेंट में आपको टेंडर मिला और आपको, या फिर कोई लेटर डिपार्टमेंट आपको भेजना चाहती है तो वो किस लेटर से आपको कम्युनिकेट करी वो आपको डालना है। तो जैसे मेरा एड्रेस डाल देता हूं, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा एड्रेस, नेम ऑफ द पार्टनर या डायरेक्टर। यदि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड पार्टनरशिप है, एलएलपी है, तो आपकी जो पार्टनर्स है उनके नाम मैंडेटरी नहीं है, आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, नहीं मेरी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है तो मैं इसको स्किप भी कर सकता हूँ, पार्टनरशिप होने के बाद भी मैं स्किप कर सकता हूँ, पर है तो डाल दो। यदि आपकी कंपनी पार्टनरशिप है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है, तो आप जितने पार्टनर है सबका नाम डालो। आपकी कंपनी कहाँ की, इंडियन है या फॉरेन की, तो जनरली हमारी कंपनी इंडियन नहीं होती है तो हम इंडियन चूज करेंगे, फॉरेन होंगे तो फॉरेन के डिटेल, सिटी
कौन से सिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं पुणे, आपका जो सिटी है एड्रेस के लिए वो डालिए, स्टेट महाराष्ट्र, पोस्टल कोड जो पिन कोड बोलते हैं, पिन नंबर। यहाँ पे यदि आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड वगैरह है तो यहाँ पे कंपनी का रहेगा, देखो यहाँ पे कंपनी डिटेल्स पूछ रहा है, इंडिविजुअल डिटेल्स नहीं पूछ रहा है, कंपनी डिटेल्स पूछ रहा है, तो कंपनी का पैन कार्ड। पर मेरी कंपनी तो प्रोप्राइटर्स है, तो मेरे पास जो पैन कार्ड है वो कंपनी के लिए जो पैन कार्ड है वो मेरा भी पैन कार्ड दोनों सेम है, तो मेरा खुद का पैन कार्ड। पर यदि आपका कंपनी है प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड या पार्टनरशिप या LLP सोसाइटी वगैरह है, महिला बचत गट है, तो आपका उनका अलग पैन कार्ड होता है, वो पैन कार्ड का नंबर डालो। फिर यहाँ पे इंडिविजुअल पैन कार्ड नहीं डालेंगे। कंपनी चालू कब हुआ, मान लीजिए 2015 में चालू हुआ। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, तो मैं ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट दे दूं, मान लीजिए सर्विसेज, ऐसा मैंने डाल दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने ये चीज डाल दिया तो मैं सिविल के टेंडर नहीं भर सकता। सिर्फ हमारा कोर बिजनेस क्या है, मैं LED लाइट, जैसे सर ने बोला मैं LED लाइट फिटिंग करता हूं, तो मैं इलेक्ट्रिकल वर्क एंड प्रोडक्ट सप्लायर, प्रोडक्ट सप्लायर ऐसा डाल दूंगा, मतलब इलेक्ट्रिकल का काम और प्रोडक्ट सप्लाई भी करता। ऐसे हुआ सर का, ऐसा नहीं है कि कल को सर को कोई सिविल का काम आया तो सिविल का काम आप सर नहीं कर सकते। सिर्फ यहाँ पे एज पर कोर बिजनेस जो है वो आपको डालना है, जिसपे मेन डिपेंडेबिलिटी है। लीगल स्टेटस, आपकी कंपनी कैसी है, लिमिटेड है, अंडरटेकिंग में आती है, जैसे कि अंडरटेकिंग में कौन सी कंपनी आती है, जैसे कि सोसाइटी है जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग करती है, बहुत सारी कंपनीज है जो गवर्नमेंट के अंडर में काम करती है उसको अंडरटेकिंग बोलते हैं, अंडरटेकिंग कंपनीज है। या JV में दो कंपनी मिला के एक कंपनी बना हुआ है, JV में पार्टनरशिप कंपनी है, या अदर्स, मेरी कंपनी तो प्रोप्राइटरशिप है, एक ही सिंगल ओनर है, या फिर अनएम्प्लॉयमेंट इंजीनियर है, तो ऐसे केसेस में हम इसको क्या करेंगे, अदर्स, क्योंकि वो ऑप्शन ही नहीं है, तो मैं हम यहाँ पे अदर्स। कंपनी कैटेगरी, आपकी कंपनी कैसी है, आपके पास इसमें से कोई लाइसेंस है क्या, MSME का लाइसेंस है तो चूज करेंगे, एक्सेलरेटिंग यूनिट का एक लाइसेंस होता है जो जनरली MES से मिलता है, DRDO वगैरह इस पर, तो ऐसा कोई लाइसेंस है तो आप दे सकते हैं। प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन ऑफ द कंपनी, हाँ बोलिए सर, ये जो लीगल स्टेटस लगाया बताया आपने, तो जैसे मेरी जो फर्म है उसका नाम है वीर तेजा फर्म, और मेरी इंडिविजुअल खुद की है, बराबर है, तो मेरे यहाँ अदर होगा क्या, अदर्स होगा ना, क्योंकि आपकी कंपनी प्रोप्राइटरशिप है ना। अच्छा ओके, बराबर है ना, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप ऑप्शंस में नहीं है, तो अदर्स। कंपनी इसमें से कोई सर्टिफिकेट वगैरह है तो आप डालेंगे, नहीं है आपके पास कोई भी सर्टिफिकेट, माइक्रो स्मॉल मीडियम वगैरह नहीं, हम इसको आप अदर्स भी करते, हम दोनों में अदर्स करते। अभी कंपनी का क्वांटिटी, अभी जो भी यहाँ पे जो टेंडर भरेगा, मतलब टेंडर के लिए ये कंपनी का लिए जवाबदार कौन होगा, डिपार्टमेंट से कौन कम्युनिकेट करेगा, कुछ भी प्रॉब्लम रहा तो कम्युनिकेशन के लिए कौन रहेगा, तो मैं ही रहूंगा, मैं ओनर हूं और मैं ही रहना चाहता हूं, तो मेरा नाम मिस्टर आदित्य पंडित, डेट ऑफ बर्थ उनका, यदि आप ओनर नहीं है तो आपको जो दूसरे का नाम डाल रहे हैं, मान लीजिए कंपनी है, मैं ये प्रोप्राइटरशिप कंपनी है, मैं हूँ और दत्ता सर हमारे पास है, पर दत्ता सर का नाम कंपनी में नहीं है, और मैं दत्ता सर को एज ए कंपनी में इस कंपनी के लिए जो भी ये टेंडर में भरूंगा, मैं दत्ता सर को चाहता हूँ कि वो दत्ता सर ही मेरा पूरा काम संभाले, तो ऐसे केसेस में मैं दत्ता सर का नाम लिख सकता हूँ। पर मैं दत्ता सर का यदि नाम लिखूंगा तो मुझे एक POA बनाना पड़ेगा, पावर ऑफ अटर्नी बोलते हैं, और वो हर टेंडर में मुझे इसका सबमिट करना पड़ेगा, हर टेंडर में, और डिजिटल सिग्नेचर भी दत्ता सर के नाम से ही बनेगा, मेरे नाम से नहीं, जो यहाँ पे नाम रहेगा उनके नाम से ही डिजिटल सिग्नेचर। और आप कंपनी के ओनर हो तो कुछ आपको देने की जरूरत नहीं, हर फाइल में आपका ही सिग्नेचर होगा। डेजिग्नेशन, मेरा प्रोप्राइटर है, यहाँ पे मोबाइल नंबर IND, जैसे कि यहाँ पे लैंडलाइन नंबर बताया, लैंडलाइन नंबर अपने पास होता नहीं, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 3-0 डाल देंगे, और यहाँ पे मोबाइल नंबर, और फिर यहाँ पे बोलिए कोई डाउट्स है यहाँ तक ये फॉर्म भरने में तो बताइए,
मैं फिर से शुरू से दिखा रहा हूं। देखिए कोई भी डाउट्स है तो मुझे पूछिए। सर किस चीज के लिए हो रहा है, मतलब मैं लेट जॉइन हुआ ना इसलिए। हाँ अभी आप लोग, हम लोग जब भी कोई जगह पे टेंडर भरना चाहते हैं तो वहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, वो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस बता रहा हूँ। मतलब स्टार्टिंग में स्टार्टिंग पूरा, हाँ, पूरा। Okay. मतलब ये रजिस्ट्रेशन है ना, रजिस्ट्रेशन, यस, पोर्टल का रजिस्ट्रेशन। हाँ हाँ तो ये हमारा प्रॉपर हो गया। हाँ थ्री पार्टी सर बोलिए। यस सर, सर जैसे इसमें पार्टनर्स डिटेल्स है ना, मिनिमम पार्टनर्स एंड डायरेक्टर्स, हाँ, तो ऊपर पे नेम एंड पार्टनर्स है ना, तो सर मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसमें तीन चार पार्टनर्स हैं, तो उसमें क्या डिटेल्स है, मान लीजिए मेरा एक आदित्य और पार्टनर है, मान लो एबीसी सर और कोई पार्टनर है, तो आप सबका नाम डाल सकते हैं, मैंडेटरी नहीं। आप चाहते हो कि मैं किसी का नाम नहीं लिखना चाहता हूँ, छोड़ भी सकते, यहाँ पे स्टार मार्क नहीं, चाहते हो डालना है तो डालो, नहीं चाहते तो फिर कोमा कोमा करके उनका सब पार्टनर का नाम डाल दीजिए। और किसी को कोई डाउट्स? चलिए तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया, इसको करेंगे सबमिट। प्लीज इनवैलिड पैन, देखो पैन कार्ड मेरा गलत बता रहा है, कहाँ पे हम लोगों ने गलत किया, एक नंबर गलत डाल दिया। यहाँ पे गलत डाला, अभी देखो एक बार, अभी मुझे एक एरर मैसेज फिर भी आएगा सबमिट करने के बाद। आदित्य पंडित 05 इज ऑलरेडी इन यूज, बाकी सब परफेक्ट है। मैं जो ये आईडी है, ये आईडी मैंने पहले यूज कर लिया है, मैंने या किसी में, ये पोर्टल में इस आईडी से रजिस्ट्रेशन हो चुका है पहले, वो मुझे बता रहा है ये आईडी का मतलब, ये आईडी मेरा ईमेल आईडी जो है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड एज ए लॉग इन आईडी हो चुका है, तो मैं इसमें चेंजेस कर सकता हूँ। मुझे मेरा ईमेल आईडी, मेरे पास एक रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी 0508 से, पर मुझे दोबारा दूसरा रजिस्ट्रेशन करना है, तो यहाँ पे नंबर डाल देता हूँ 9000 डाल दिया। चलो अभी इसको सेव करता हूँ, सिर्फ अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, लॉगिन आईडी याद करना पड़ेगा, तो करेंगे सबमिट। 10 डिजिट, ऑनली 10 डिजिट है मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर भी गलत है, अभी ले लेगा, फिर से कैप्चर डालेंगे, सबमिट। ये मुझे प्रोफाइल एक बार चेक करने के लिए बता रहा, जो मैंने जो डाला वो प्रॉपर है एकदम परफेक्ट। हम यहाँ पे करेंगे सेंड वेरिफिकेशन कोड, अभी ये कोड चला जाएगा, देखो ये मोबाइल नंबर पे भी कोड आ गया और ईमेल आईडी, हम यहाँ पे दोनों कोड डालेंगे, पासवर्ड सेट करेंगे दोनों का, जो भी पासवर्ड चाहिए, पासवर्ड की कुछ पॉलिसीज है, जैसे 8 से 32 करेक्टर के बीच होना चाहिए, अपर केस लोअर केस दोनों होना चाहिए पासवर्ड में, 0 to 9 के बीच नंबर भी होना चाहिए और एनी स्पेशल करेक्टर होना चाहिए, स्पेशल करेक्टर का यहाँ पे बता दिया, इसमें से पासवर्ड में सब होना चाहिए, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे बता दिया। तो मोबाइल का वेरिफिकेशन कोड, ईमेल का वेरिफिकेशन कोड डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, कैप्चा करके हम लोग सबमिट कर देंगे, तो मेरा पासवर्ड सेट हो जाएगा, मेरा लॉगिन आईडी ये है ना, मेरा लॉगिन आईडी ये वाला है और मेरा पासवर्ड जो हम सेट करेंगे वो पासवर्ड हो जाएगा। पर एनी कंडीशन क्या हो गया मेरा, यहाँ से मान लीजिए एज एग्जाम्पल मैंने पासवर्ड सेट करने जा, पासवर्ड सेट नहीं हुआ या ओटीपी गलत बताने लगा या ओटीपी आया ही नहीं मेरे ऊपर, तो मैं तो ये पासवर्ड सेट ही नहीं कर पाया, तो मुझे क्या फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं मुझे अभी फिर से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है, रजिस्ट्रेशन हो चुका है पर मैंने सिर्फ पासवर्ड सेट नहीं किया, तो ऐसे कंडीशन में हम कहां जाएंगे, जनरेट,
या फॉरगेट पासवर्ड। जनरेट में जाओ और यहाँ पे आपका लॉगिन आईडी डाल दीजिए। अभी आप क्या हो, न्यू यूजर हो, क्योंकि आपने पासवर्ड सेट नहीं किया। यदि पासवर्ड सेट कर लिया तो आप फॉरगेट यूजर में क्लिक करेंगे। न्यू यूजर हो तो आप न्यू यूजर, क्योंकि पासवर्ड सेट नहीं किया तो हम लोग न्यू यूजर पे क्लिक। न्यू यूजर पे मुझे अपडेट मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, मान लीजिए मैंने मोबाइल नंबर कुछ गलत डाल दिया, ओटीपी नहीं आ रहा, तो मैं मोबाइल नंबर भी अपडेट अभी भी कर सकता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। पर मैं कब तक कर सकता हूँ, जब मैं न्यू यूजर हूँ। फॉरगेट पासवर्ड किया तो मैंने मुझे मोबाइल नंबर यहाँ से चेंज करने को नहीं मिलेगा, फिर मैं आफ्टर लॉगिन चेंज कर सकता हूँ, पर अभी नहीं कर सकता। पर मैं न्यू यूजर जब तक हूँ, मैंने पासवर्ड सेट नहीं किया है, तब तक मेरा मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी भी बदल सकता। कैसे बदलेंगे, तो अपडेट मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। कैप्चा नहीं डाला हम लोगों ने, इसलिए एरर आया। अपडेट मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, ये मेरा लॉगिन आईडी तो मैंने डाल दिया था, ये मेरा ईमेल आईडी है जो मैंने रजिस्टर किया था अभी थोड़ी देर पहले, और ये मेरा मोबाइल नंबर है। चेंज करना चाहते हैं अभी भी चेंज कर सकते हैं, एज इट इज रखना चाहते हैं इसको डाल के इसको प्रोसीड कर दीजिए। फिर से मुझे ओटीपी आ जाएगा और मैं पासवर्ड को अभी सेट कर सकता हूँ। सेंड वेरिफिकेशन कोड अभी मुझे फिर से आ जाएगा। पासवर्ड के तौर पर मैं एकदम ईजी पासवर्ड रख देता हूँ, एडमिन का ए कैपिटल @123। फिर से कंफर्म, इसमें सब आ गया, 8 डिजिट का भी हो गया, नंबर्स भी आ गया, स्पेशल कैरेक्टर भी आ गया। अभी मैं उसको वेरीफाई करने के लिए मैं इसका जो मुझे ओटीपी आया वो डालता हूँ। मोबाइल वेरिफिकेशन कोड, देखो यहाँ पे एक है कि आप मोबाइल का ही वेरिफिकेशन कोड ईमेल में भी डाल सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको दोनों चेक करना है। पहले ऐसा नहीं होता था, पर अभी के सीजनों में ये हो जाता है, तो मैं दोनों सेम डाल रहा हूँ। और ये कैप्चर, सबमिट, योर पासवर्ड हैज बीन जनरेटेड सक्सेसफुली। मेरा पासवर्ड देखेंगे तो ये पासवर्ड आपको दिखना चालू, ये मैंने पासवर्ड रख दिया, मेरा पासवर्ड अभी सेट हो गया। अभी मैं चाह के भी इसको मैं होम जाता रहा हूं और मैं चाहूं तो मैं अभी यदि मोबाइल नंबर अपना अपडेट करना चाहूँ तो नहीं होगा। देखो प्रेस न्यू यूजर, अभी मैं फिर से न्यू यूजर पे क्लिक करता हूँ क्योंकि मेरा पासवर्ड सेट हो गया, तो मैं न्यू यूजर और नहीं रहा, तो ऑटोमेटिकली वो नहीं लेगा। देखिए फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं और अपडेट मोबाइल नंबर पे फिर से क्लिक करते हैं। योर एनरोलमेंट प्रोसेस इज कंप्लीटेड, तो अभी मैं इसको चेंज नहीं कर सकता, मैं अभी न्यू यूजर नहीं रह गया। हाँ, मैं पासवर्ड जो है उसको चेंज करना है तो मैं फॉरगेट जरूर कर सकता हूँ, फिर से ओटीपी आएगा, पासवर्ड को आप नया पासवर्ड डाल के आप फॉरगेट कर सकते हैं, पर अभी आप न्यू यूजर नहीं रह गए। तो ये दो काम है, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं जनरेट एंड फॉरगेट, इसलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन है। जनरेट भी है मतलब पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हो, कब तक कर सकते हो, जब तक आप न्यू यूजर हो, और फॉरगेट पासवर्ड, आप न्यू यूजर से ओल्ड यूजर बनते हैं तो आप पासवर्ड को कभी भी फॉरगेट कर सकते हो। न्यू यूजर में आपके पास ऑप्शंस क्या है कि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। कोई डाउट्स, कुछ पूछना है यहाँ तक में तो बताइए। सर हम लोग डीएससी, फिर डीएससी का देखेंगे, डीएससी का सेटिंग देखेंगे, कंप्यूटर का सेटिंग देखेंगे, और फिर हम लोग उसको डीएससी को मैप करेंगे इस पोर्टल के साथ और फिर लॉग इन करेंगे। सर जैसे कि देखिए, हाँ बोलिए सर, अगर हम मान लो ये लॉगिन आईडी भूल गए हैं, वापस से मतलब कैसे सर्च कर सकते हैं? नहीं, लॉगिन आईडी आप भूल गए हैं तो नहीं होगा, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ई प्रोक्योरमेंट को मेल करना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड का डिटेल्स, जो भी आपने डिटेल्स डाला है वो डिटेल्स डाल के आपको मेल करना पड़ेगा। तो जनरली 1 से 2 दिन के अंदर वो लोग रिप्लाई कर देते हैं और उसके बेस पे आपको आपका लॉगिन आईडी मिल जाएगा। ओके सर, या फिर दूसरा लॉगिन आईडी आप क्रिएट जरूर, पर यदि दूसरा लॉग इन आईडी करते हैं तो डीएससी भी नया होना चाहिए, पुराना डीएससी नहीं चलेगा। देखो अभी यहाँ पे लॉग इन करता हूं मैं, मेरा जो अभी मैंने आईडी पासवर्ड बनाया, पेस्ट पासवर्ड, मैंने एडमिन का ही कैपिटल @123 ये मैंने पासवर्ड सेट किया था, और ये डाला, इसको क्या प्रोसेड,
अभी मैं यहाँ पे साइनिंग सर्टिफिकेट आ गया, मैं डीएससी लगा दूंगा तो मुझे यहाँ पे आगे कुछ भी काम नहीं करेगा। देखो यहाँ पे कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं आएगा, या फिर आप लॉग इन भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? तो आपके सिस्टम का सेटिंग प्रॉपर होना चाहिए तो ही ये काम करेगा, नहीं तो ये काम नहीं करेगा। तो हम लोग इसके बाद सबसे पहले सेटिंग देखेंगे ताकि अपने को सेटिंग कैसे करना है और फिर हम लोग आगे का प्रोसीजर को देखेंगे। बोलिए कोई डाउट्स है, सिस्टम का सेटिंग कैसे करते हैं? ये वन टाइम प्रोसीजर होता है पर आपको करना पड़ेगा। या पीसी बदलते हैं, लैपटॉप बदलते हैं, डेस्कटॉप बदलते हैं तो आपको फिर से सेम सेटिंग को करना पड़ेगा। कोई डाउट्स है, कुछ पूछना है तो बताइए। Yeah.